सो है गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत करता हूँ मैं आज के एक लेटेस्ट वीडियो में। तो यार आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि यार कैसे आप लोग अपने गूगल ओपिनियन रिवार्ड में ज़्यादा से ज़्यादा सर्वेज ला सकते हो। यार एकदम वर्किंग ट्रिक है आप लोग इन ट्रिक तो नहीं, मतलब एक काम करना है जस्ट आपको। तो ये सारी चीज़ें अगर आप लोग करोगे तो यार आपको गारंटी से ज़्यादा सर्वेज आएंगे, मैं गारंटी देता हूँ। तो यार आपको सबसे पहले क्या करना है, आज आज के वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताना भी चाहता हूँ कि आप जैसे देख सकते हो कि बहुत लोग क्या कहते हैं कि VPN यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसमें मैंने कोई VPN या फिर कोई फेक GPS इसका यूज़ नहीं बताया है, क्योंकि यार वो काम नहीं करते। क्योंकि पता ही होगा आपको, क्या गूगल के इतने आप लोग क्या गूगल को एकदम पागल समझते हो। क्योंकि अचानक सोचो, एग्जाम्पल की बात है, अगर आप रहते हो मुंबई में, तो अगर आपको अचानक चले जाओ आगरा पे, और आगरा पे जाकर एक घंटे के अंदर क्या फिर से आप लोग आ जाओगे, या फिर फटाक से, मतलब कैसे हो सकता है ऐसे। गूगल तो कोई पागल है नहीं, तो इतना तो आप लोग समझ ही सकते हो कि गूगल को ऐसे पागल बनाया तो जा नहीं सकता, और वो इतना पागल है भी नहीं, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जिस जो मैंने कोई ऐसे कुछ से ऐप के बारे में नहीं बताया कि इस ऐप को यूज़ करो या फिर ये कुछ करो वो करो। मैंने बस इतना मतलब आप लोगों को एक बात बताया जो एक नॉर्मल सी है, आप इसको अगर यूज़ करोगे तो यार आपके डेफिनेटली ज़्यादा सर्वेज आएंगे, मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ। मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाता हूँ, यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। तो ये है मेरा दूसरा अकाउंट, इस पे मुझे सर्विस मिले थे बहुत सारे। तो यहाँ पर मैं शुरू करता हूँ वीडियो को बिना टाइम गवाए। मेरा नाम है आयान, आप देख रहे हो नूबरा गैंग, लेट्स बिगिन। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से छोटी सी अपील करूंगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे टेक एंड गेमिंग के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, दबाओ बाजू के बेल आइकन को। उससे क्या होगा, मैं जो लेटेस्ट वीडियो लाऊंगा उन सबके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। तो यार अभी आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यार मैं बता देता हूँ, अगर आपको गूगल ओपिनियन रिवार्ड पे सबसे ज़्यादा अर्निंग करनी है तो आपको क्या क्या करना होगा, मैं बताऊँगा। चीज़ों को नोट करके रख दो, यही करो तो फिर आपको ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग होने लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैं पहले मैंने जैसा कहा था कि वहाँ पर मैंने स्क्रीनशॉट मतलब दिखा रहा हूँ, ठीक है। यह है मेरा दूसरे अकाउंट का स्क्रीनशॉट जिस पे मुझे अभी तक की सबसे ज़्यादा अर्निंग हुई थी, यह रहा आप लोग देख सकते हो स्क्रीनशॉट। और उसके बाद यार मैं अभी आपको बताता हूँ आपको क्या करना होगा। आपको पहले जब आप अकाउंट खोलोगे, ठीक है, अगर आपने अभी क्या किया है कि अकाउंट बना लिया है और मैंने जैसा कहा है वैसा नहीं किया, तो यार आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर जो डिलीट ओपिनियन रिवार्ड अकाउंट देख रहे हो उसको करके फिर आपको इस अकाउंट से खोलना होगा, ठीक है। या क्योंकि यहाँ पर आकर आप कभी चेंज मत करना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आकर अगर आप चेंज करोगे तो उन्हें लगेगा कि यार आप सर्विस के लिए कुछ गलत दे रहे हो, ठीक है, क्योंकि यार गूगल उतना पागल तो है नहीं। तो आपको क्या करना है, जस्ट आपको डिलीट कर देना है, और अगर मेरी तरह ही है तो उसको रहने देना है, आपको फीमेल देना है। उसके बाद एज को 35 से लेकर 44 तक रख देना है। आपको अपना जो जगह है वो ठीक देना है, इंग्लिश हिंदी दोनों सर्विस को ही चूज़ कर लेना है, इससे आपको ज़्यादा सर्विस आएंगे, ठीक है। और ये तो यार नॉर्मल सी बात है, शायद ये आप लोगों को दूसरे कोई भी बता दिए होंगे, लेकिन चलो यार मैं आपको कुछ अलग बताता हूँ। सब आपको क्या करना है, आपको जाना है अपने सेटिंग पर, ठीक है। सेटिंग पर जाने के बाद थोड़ा वेट करो, एप्लीकेशंस पे जाओ। एप्लीकेशन पे जाने के बाद मैं चलता हूँ एप्लीकेशन मैनेजर पे। यहाँ पर आप लोग जो देख रहे हो ना, गूगल प्ले सर्विस इंस्टेंट कुछ ऐसा ही है, ये पूरा नहीं आ रहा। उसके बाद गूगल प्ले स्टोर, तो यार इन तीनों को जो देख रहे हो ना, इन तीनों को आपको क्या करना है, कभी भी इनके डेटा को क्लियर कैच या फिर क्लियर डाटा नहीं करना। हाँ, उसके साथ ये जो देख रहे हो गूगल ओपिनियन भी है पास में, तो यार इन चारों में से आपको किसी के साथ कोई ऐसा काम नहीं करना कि इसके डाटा को क्लियर कर दो। और उसके साथ मैं जो जो बता रहा हूँ उन सारे चीज़ों का मतलब डाटा कभी भी क्लियर मत करना, ठीक है।
दूसरा जो है वो किधर गया? ऑल पर चलता हूँ। ओके, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो क्रोम ब्राउज़र, ठीक है। तो क्रोम ब्राउज़र कभी कभी भी डेटा क्लियर मत करना। इससे क्या होगा, आपकी सर्च हिस्ट्री रहेगी और उससे क्या होगा, आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस आ सकते हैं। और उसके बाद मैं बताता हूँ नेक्स्ट जो है, ये जो गूगल ऐप देख रहे हो, ठीक है, इसका भी डेटा को आपको कभी भी क्लियर नहीं करना है। और मेन बात, हम लोग जब सबसे ज़्यादा जो करते हैं, हाँ, गूगल मैप भी देख सकते हो, नहीं इसको भी डेटा मत क्लियर करना। अभी मेन बात पर आते हैं। मेन बात जो है वो है अपना यूट्यूब, ठीक है। यूट्यूब में सबसे ज़्यादा आप लोगों का जो हिस्ट्री बनता है, क्योंकि यार वीडियो में यूट्यूब ही शायद बाकी सारे ऐप से ज़्यादा यूज़ होते होंगे आप लोगों के, मेरे तो होते ही है। तो आपको यूट्यूब के डेटा को भी कभी क्लियर नहीं करना। और आपको इन सारे जो मैंने ऐप बताए, आप चाहे रिपीट करके देख सकते हो, इन सारे ऐप जो मैंने बताए इनको आपको क्या करना है, कभी भी प्लस डेटा तो क्लियर करना ही नहीं है। और अपने जिस अकाउंट से अपना गूगल ओपिनियन बनाया है, ठीक है, जैसे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, जैसा ये देख सकते हो, ये मेरा गूगल ओपिनियन का मतलब अकाउंट है ये वाला। तो आपको क्या करना है, इस वाले अकाउंट पे ही ये सारे काम करने हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा। आपके पास अगर एक्स्ट्रा कोई अकाउंट हो तो उसको यूज़ नहीं करना है, ठीक है, उसको यूज़ नहीं करना। और मैंने कोई ऐसा ऐप आपको नहीं बताया कि जो आपको मतलब जैसे कुछ होते हैं ना वो फेक वीपीएन फीपीएन, क्योंकि यार वो काम नहीं करते, मैंने पहले ही बता दिया। क्योंकि गूगल इतना पागल नहीं है कि आप जैसे सोचो आप एक यहीं पर गए हो या फिर अचानक कैसे आ गए, तो ये सारी चीज़ें कभी नहीं होती, ठीक है। मैंने तो ट्राई किया था, मैंने भी किया था ट्राई, लेकिन ये काम नहीं किया। मैं अभी ये बात दो बार आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों को मैंने जस्ट जो जो चीज़ें बताई है ना कि आप ये चीज़ें फॉलो करो, और एक काम करते रहना, बीच बीच में आपको दिन में कम से कम 3 बार अपने इस गूगल ओपिनियन के अकाउंट मतलब अकाउंट को या फिर ऐप को खोलना है, ठीक है, खोलना है। उसके बाद थोड़ा इधर उधर जाना है, मतलब जैसे आप चाहे तो हेल्प एंड सपोर्ट पर जा सकते हो। हेल्प एंड सपोर्ट पर जाने के बाद आप लोग उनको फीडबैक सेंड कर सकते हो कि मुझे सर्वेज नहीं आ रहे, ऐसे ही करके। मतलब आपको जस्ट इस पे एक्टिव रहना है, ठीक है। और अगर आपके सच में सर्विस बहुत दिन से नहीं आ रहे, तो यहाँ पर आप लोग सेंड फीडबैक जाकर आप लोग यहाँ पर फीडबैक सेंड कर सकते हो कि आप लोगों के सर्वे नहीं आ रहे हैं। और उसके बाद आप कोई भी ऐसे जैसे रिवॉर्ड हिस्ट्री, उसके बाद ऐसे सेटिंग, मतलब यहाँ पर आपको थोड़ा जाना है, ठीक है। और आपको कभी कभी अगर आप कहीं पर जा रहे हो तो फिर आपको अपने लोकेशन जो है लोकेशन को ऑन कर देना है। इससे क्या होता है कि आप लोगों को सर्विस ज़्यादा आते हैं, ठीक है। लोकेशन को आपको कम से कम थोड़ी दिन ऑन करना है, फिर ऑफ़ करना है कुछ भी, ठीक है। मतलब ये सारी चीज़ें अगर आप लोग करोगे तो फिर आपके डेफिनेटली सर्विस ज़्यादा आएंगे। तो यार आज के वीडियो में इतना ही। तो अगर आप लोगों को हमारा आज का वीडियो पसंद आए तो पहले हमारे आज के वीडियो को एक लाइक कर देना, शेयर कर देना अपना फ्रेंड्स के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।